बहुत धूप है ना, हालत खराब है। हेलो गाइस, हम लोग ट्रेन उड़ चुके हैं और ये ट्रेन उड़ के खाना स्टार्ट कर दिए और ये बुका आदमी इधर बैठा हुआ है, ये कब से बस कुछ कुछ खुजली कर रहा है। क्या खा रहा है? क्या खा रहे हैं देखिए, ये पूरी और ये घुघनी। घुघनी जैसा है नहीं, घुघनी पूरा एकदम नमक से एकदम नहला दिया घुघनी को। और ये पूरी भी ठीक है, पेपर जैसा है, और ये घुघनी बहुत बेकार है। अब अच्छा खाना लिया, फ्राइड राइस और बाद में खाएगा। प्रमोट कर दो अपना, हमको खाते में दिलो ना, हम खा रहे हैं, शुरू करेगा हमको दिखा दो। खा लिया? ये तो पेट भर के खाया पूरा। क्या बोल रहा है? क्या सुनाई दे रहा है? तो बोलो क्या जा सकता था? कैसे जाता? क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? लगेज, इतना सा लगेज नहीं वही लगेज लेके कैसे उतरता? तब हम खा रहा था इसलिए मना। ट्रेन अभी थोड़ी देर पहले सेल्फिशनेस का मोह है। हां हां, सेल्फिशनेस का मोह है। मतलब सेल्फिशनेस खाई तस के हमें ना खाए उतुम। सो गाइस, अवध ऐसा अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे सामने से क्रॉस हुआ है, तो हम उसमें चढ़ सकते थे। तो रिक्स नहीं लेना है ना? तुमको क्या है, तुम्हारा तो दो बैग है। रिक्स नहीं लेने का बात हम ही किया था। अर्थ खुद ही बोल रहा है कि चढ़ जाओ। जो फालतू के ना अभी सनसेट देखो, क्या मस्त है। सपने सुबह शाम है, तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे इल्जाम है? ऐसी लगन बांधे हुए हूँ मैं खड़ा अब वहाँ, जिस छोर पे था झूठा मेरा, हाथों से तेरे हाथ, जिसने कहाँ पहुंचेगा ऋषभ? कहाँ? हाँ, डिब्रूगढ़। इसको देखो, पूरा ट्रेन खाली है, एक दो लोग हैं। कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंचा? डिब्रूगढ़। और डिब्रूगढ़। तो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग आए थे डिब्रूगढ़ पे, और हमारे कुछ फ्रेंड है जो इसी ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं था। स्टोरी देख के पता चला कि वो लोग भी इसी ट्रेन में जा रहे हैं। तो वो देखो उस साइड है, अरे वो लोग भी इधर हम लोग के साथ। तुम जानते ना ऋषिकेश को? क्या थोड़ा थोड़ा कॉमर्स में था ऋषिकेश को नहीं जानता? तो गाइस, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं डिब्रूगढ़ जंक्शन से। डिब्रूगढ़ जंक्शन था ना वो? तो डिब्रूगढ़ और दिखा दे क्या वो लोग क्या कर रहे हैं? मत मत करो, संपत्ति रेलवे का संपत्ति नष्ट कर रहे हैं। हो गया, और एक बार वो इसका पेट से निकल गया। चॉकलेट बोल रहे हैं। तुम क्या वीडियो बना रहे हो? वही तो, तुम क्या कर रहे हो? ओए हम कहां पे बैठा है? और आराम कर। एक मिनट मेरा फोन की जगह नीचे देखो, कुछ नहीं
तो गाइस फाइनली हम लोग तीन चुके एंटर कर चुके हैं और तुमको भी अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत यहाँ पे लड़ दिखाया नहीं जा सकता, हाँ ये सब दिखाया नहीं जा सकता कहीं। हाँ ट्रेन में जो मजा किया पूरा खाली था ना, पूरा दौड़ रहा था। अब चलो अभी निकलते हैं, बैग निकालते हैं फटाफट से और नीचे जाके मिलते हैं। पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। तो गाइस फाइनली उतर चुके ऑटो से और अभी रिक्शा लेते हैं और सीधा घर में चलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं बहुत ज्यादा घर पे और घर पे आके सीधा मैंने ब्लॉग नहीं किया और अभी टाइम हो रहा है 2-3 घंटे हो चुके हैं और अभी व्लॉग कर रहा हूँ। व्लॉग करते ही मैं देख रहा था IPL, देखो पूरा नहीं दिखा सकता। मैच चल रहा है दिल्ली वर्सेस मुंबई, 11 बॉल में 18 रन चाहिए, देखते कौन जीतता है। सब सोने वाले, मैं तो मैच देखने वाला हूँ बहुत दिन बाद टीवी पे। तो हाँ चलो एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस 7 बॉल में 11 रन चाहिए और पता नहीं क्या होगा मुंबई को। इस बार मैंने सबको बोला था फ्रेंड्स को कि मैं मुंबई सपोर्ट हूँ, वैसे मैं हूँ नहीं। 6 भाई, 6 बॉल में 5 रन चाहिए। मैंने बोला था कि आज मुंबई जीतेगा क्योंकि दिल्ली भी लगातार 4 मैच हार चुका है अगर मैं गलत नहीं हूँ, और 4 नहीं 3, और मुंबई भी 2 मैच लगातार हार चुका है। तो इस बार मुंबई का कमबैक अच्छा था, मज़ा आ गया। लास्ट में जो 2 छक्का लगा, शिट 3 बॉल में 4 चाहिए, वो जो वाइड था वो वाइड सच में था। भगवान मुंबई जीत जाना चाहिए बस। नानी 1 बॉल में 2 रन चाहिए, हो जाएगा? 1 बॉल में 2 रन हो जाएगा पक्का, होना चाहिए। चलो चलो गाइस देखते हैं, फिंगर क्रॉस्ड। लास्ट बॉल गाइस, अरे एक कॉल ले रहा है, ले लिया ले लिया, जीत गया शायद, देखते हैं रिव्यू में। ये सो गाइस मुंबई विंस फाइनली, 1 बॉल 2 रन वाला सिचुएशन में चला गया था और 2 रन ले भी लिया। चलो गाइस जीत चुके। सो गाइस चलो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, वीडियो एंड करते हैं फटाफट से। और हाँ ये एंडिंग वीडियो मैं थोड़ा लेट से बना रहा हूँ, तो हाँ उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करके जाना। आपसे मिलते कल के फ्रेश एंड न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।